नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। सपा विधायक इरफान की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त। कानपुर से लेकर मुंबई तक है करोड़ों की बेनामी संपत्तियां। ब्यौरा जुटाने में का काम शुरू। सहारनपुर के 14 हॉस्पिटल में कोरोना का मॉक ड्रिल। स्ट्रेचर पर लिटाकर दौड़ते हुए पहुंची पीपीएई की लैस टीम। ऑक्सीजन लगाकर इलाज शुरू। गंगा की सैर कराएगी शिकारा बोट। वाराणसी के बाद कानपुर में क्रूज चलाने की तैयारी। बिठूर तक 1.35 घंटे में पहुंचेगा। लखनऊ में ट्विन हर्ट बेकरी में लगी है भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने 1 घंटे बाद पाया काबू। ललितपुर में निर्माणाधीन टंकी से गिरकर मजदूर की हुई है मौत। लकड़ी के पार्ट हटाते समय 100 फीट ऊंचाई से गिरा। 6 माह पहले हुई थी शादी। बैंक चुराकर गाड़ी पर रकम ले जाया चोर सीसीटीवी में हुआ कैद। पकड़ा गया तो बोला भैया लौटा दूंगा। सहारनपुर में ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ा कोहरे का कहर। नौचंदी, सरयू, यमुना सद्भावना और सुपर एक्सप्रेस समेत 19 ट्रेनें 4 घंटे से देर से पहुंची। सामूहिक नकल के दोषी 270 कॉलेजों पर जुर्माना। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया विश्वविद्यालय ने की है बड़ी कार्रवाई। गोरखपुर में रात में छात्रा का शव शमशान ले गई पुलिस। मां ने बेटी की लाश छीनी, ऑटो से घर ले गई। आधी रात मकान मालिक रेप हत्या की एफआईआर। होटल में बॉयफ्रेंड ने की है प्रेमिका की हत्या। रिसेप्शन पर बोला एटीएम से रुपए निकाल कर आता हूं। रूम के बेड पर पड़ी मिली लाश। रिश्वतखोर खास सुरक्षा अधिकारी को बचा रहे अफसर। प्रयागराज में सुरावा में तैनात है सुनील पटेल। मंत्री के निर्देश में हो रही है जांच में महज खानापूर्ति। उन्नाव में बल्लियों के सहारे खींची गई विद्युत लाइन। बिना पोल लगाए गए जिम्मेदार बांट रहे कनेक्शन। हादसे का बना रहता है बराबर खतरा। हमीरपुर में सराफा की दुकान में चोरी। असलहों से लैस थे बदमाश। चौकीदारों के हाथ पांव बांधे, तिजोरी लेकर फरार। अयोध्या में किशोर की धारदार हथियार से मारकर हत्या। घर से 1 किलोमीटर दूर बनमऊ जंगल में मिला शव। भैंस बांधने घर से निकला था। मथुरा में 4 गाड़ियों में लगी है आग। फायर ब्रिगेड को बुझाने में लगे 1 घंटे। दुकान के बाहर खड़ी थी गाड़ियां। बहन की हत्या कर बगल के कमरे में सोता रहा भाई। हत्या से पहले बहन को पीटा, गला इतनी तेज दबाया कि गले की हड्डी टूट गई। रैन बसोरों में बच्चों और फैमिली के लिए अलग व्यवस्था हो। वाराणसी के डीएम बोले सफाई के साथ मच्छरों से बचाव की भी करें व्यवस्था। भदोही के लाला नगर पीएससी का डीएम ने किया है निरीक्षण। अधीक्षक व लैब टेक्नीशियंस असिस्टेंट मिले अनुपस्थित। दवा वितरण में भी मिली है अनियमितताएं। कन्नौज में हादसे में अधिशासी अधिकारी समेत 3 की मौत। कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर ट्रक में धसी कार, पीछे से 2 कारें टकराई। वाराणसी में कोविड का हुआ मॉक ड्रिल। डीडीयू अस्पताल में पहुंची टीम। परकी प्लांट से ऑक्सीजन बेड सप्लाई की व्यवस्था। सीतापुर में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। 2 महीने से फरार चल रहा था। अवैध असलहों की
करता था तस्करी। फतेहपुर में शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध दबाव बनाने पर मांगने लगा 10 लाख रुपए, विरोध करने पर युवती को पीटा। हापुड़ में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल, डकैती के मामले में चल रहे थे फरार। फरुखाबाद में दंपत्ति को पीटा, झोपड़ी में लगाई आग, जमीन के विवाद में दबंगों ने किया दुस्साहस, गृहस्थी का सामान जलाकर खाक किया। जानलेवा नहीं होगा कोरोना का नया वेरिएंट, प्रयागराज में डॉक्टर केतन मेहता बोले मरीजों की संख्या ज्यादा होगी, मास्क पहनने की आदत डालें। अलीगढ़ में हार्ड कपाती ठंड ने किन्नर समाज गरीबों का बन रहा है सहारा, किन्नर एकता मंच ने गरीब मजदूरों को किए गए कंबल वितरण। बुलंदशहर में युवक के साथ दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दबंगों का पीड़ित युवक को बंधक बनाने का भी आरोप। चंदौली में कमरे में युवती का शव रक्त रंजित शव मिला है, गला रेत कर की गई थी हत्या, तना से इलाके में हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस। बुलंदशहर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर शव को फूंका, अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को फावड़े से नहर में फेंकने का है आरोप। कानपुर में ठंड में डीएम ने रैन बसोरों का किया है निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया। मस्जिद तोड़ने आए बुलडोजर को पूर्व विधायक ने रोका, घर घर में होगा मदरसा, बोलने वाले हाजी जमीन ने दिए 10 लाख रुपए। अमरोहा में सराफा व्यापारी से नकाबपोशी बदमाशों ने हथियारों के बल पर लाखों का सामान लूटा, व्यापारियों ने पुलिस को दी है तहरीर। औरैया में एसपी के दिशा निर्देशों अनुसार महिला थाना प्रभारी अध्यक्षता में प्रोजेक्ट नई किरण का किया गया आयोजन, कलह को दूर कर एक साथ रहने को किया गया राजी। अमरोह में पिंक बूथ का हुआ शुभारंभ, एसपी आदित्य और सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रवीण गुप्ता ने फीता काटकर किया शुभारंभ। औरैया में किशोरी को 40,000 रुपए में बेचा, पहले युवक ने अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर मध्य प्रदेश से लाकर बुजुर्ग को बेचा। बिजनौर में घने कोहरे के चलते हुआ है दर्दनाक हादसा, ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौत। बुलंदशहर में नगर पालिका सयाना क्षेत्र में रैन बसेरों का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण, डीएम एसएसपी ने रैन बसेरों की व्यवस्था का भी लिया जायजा। चंदौली में युवती का गलत रेत का निर्मम हत्या कर दी गई है, इलाके में फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में नवसृजित नगर पंचायत धानेपुर विधायक माननीय विनय कुमार द्विवेदी विधायक ने विभिन्न परियोजनाओं का किया है लोकार्पण। यूपी निकाय चुनाव का फैसला, बिना ओबीसी के आरक्षण तय किए हो किया जाएगा निकाय चुनाव, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि समय पर हो चुनाव। कानपुर के हैलेट अस्पताल में कोविड को लेकर की गई है मॉक ड्रिल, प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला बोले एक डमी कोविड 19 को किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा इसका निरीक्षण किया गया। ओम प्रकाश राजभर की होर्डिंग को लेकर अरुण राजभर ने सपा पर कसा तंज, बोले समाजवादी पार्टी के लोग सुभाषपा की लोकप्रियता से घबरा गए।
रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से पांचवी की छात्रा की मौत हो गई है। स्कूल से घर लौटने के दौरान हुआ यह हादसा। लखनऊ में नागरिक सुविधा दिवस का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में फरियादियों ने सुनी कई है समस्याएं। मंडलायुक्त और डीएम रहे मौजूद। प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 में किन्नर अखाड़ा ने किया है भूमि पूजन। माघ मेले में लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की है अपील। यूपी में भारी निवेश को तैयार जापान। जापान के रक्षा मंत्री ने डिप्टी सीएम मौर्य से की है मुलाकात। रायबरेली में गौशाला प्रभारी रहे नदारद। कर्मचारी उठाते रहे अलाव का आनंद। गौशाला में 24 घंटे में फिर से मृत प्राय पड़ी गए को नोचते दिखे कौवे। आगरा के लिए राहत भरी खबर। कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजन निकले निगेटिव। हांगकांग से भारत आया था कारोबारी। बुलंदशहर में कोरोना की नई लहर के खतरे को देखते हुए खुर्जा L2 में भी हुआ है मॉक ड्रिल। संयुक्त नजर आए राज नोडल अधिकारी प्रहलाद सिंह। गुना में छुट्टा पशु सड़क पर जमाए रहते हैं डेरा। बने रहे दुर्घटना का कारण। गौशाला अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। कानपुर में हाजी वासी पर दर्ज हुआ है एक और मुकदमा। हिंसा में क्राउड फंडिंग के आरोपी हाजी वासी पर दर्ज हुई FIR। बुलंदशहर सयाना में CSC में भी हुआ है मॉक ड्रिल। नोडल अधिकारी कोरोना सुनील कुमार की मौजूदगी में हुआ है मॉक ड्रिल। हमीरपुर में कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ दबंगों ने की है मारपीट। दबंगों ने पत्रकार को दी है जान से मारने की धमकी। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के लिए किया गया है कमेटी का गठन। तेज तर्रार पार्टी प्रवक्ता अशोक सिंह को मिली है अहम जिम्मेदारी। गोंडा लखनऊ राजमार्ग स्थित बालपुर बाजार में अनियंत्रित पलटा मोरंग से भरा हुआ ट्रक। शहीद सैनिक सुनील तिवारी की प्रतिमा हुई ध्वस्त। डिप्टी सीएम बिजस पाठक ने अपनी सदरी मरीज को पहनाई। लखनऊ में सर्दी से कांप रहा था। ICU में ऑक्सीजन फ्लो चेक किया। मुठभेड़ में एक बार फिर दिखा तेंदुआ। तेंदुआ दिखने से लोग घरों में बंद होने को हुए मजबूर। तेंदुए को देखे जाने का वीडियो हुआ है वायरल। लखनऊ में प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले 3 लोगों से हुआ है विवाद। महिला ने वीडियो बनाकर सुनाई आपबीती। प्रतापगढ़ में पेट पर लटकता हुआ मिला है प्रेमी युगल का शव। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। उन्नाव में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का लगा है आरोप। पीड़ित मां ने कोतवाली में दी है तहरीर। दर्ज हुआ मुकदमा। सरस्वती में कोरोना की नई लहर के खतरे को देखते हुए CSC में हुआ है मॉक ड्रिल। CMO शारदा प्रसाद तिवारी की मौजूदगी में हुआ मॉक ड्रिल। कासगंज में सर्दी में विद्युत उपकेंद्र का माहौल हुआ गर्म। लाइट न आने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। SDO ऑफिस में किया घेराव। गाजीपुर में कोविड को लेकर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में किया गया है मॉक ड्रिल। CMS राजेश सिंह रहे मौजूद।
रायबरेली जेल में तैनात सिपाही पर जेल गेट के सामने हुआ है जानलेवा हमला। घायल सिपाही को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। कोरोना के नए वायरस को लेकर शासन के निर्देश पर जिला अस्पताल में हुआ है मॉक ड्रिल। कोरोना को लेकर शासन प्रशासन सख्त। अलीगढ़ में कश्मीरी छात्रों की ऑर्गेनाइजेशन ने सांसद सतीश गौतम से की है मुलाकात। एमयू प्रकरण में की है कार्रवाई करने की मांग। अमरोहा में लोकसभा के पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने सुनी जन समस्याएं। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य लोग रहे मौजूद। गाजियाबाद पहुंचे संयुक्त निदेशक डॉक्टर विकास सिंघल। डॉक्टर विकास सिंघल ने कई अधिकारियों के साथ संयुक्त अस्पताल का किया है निरीक्षण। राजधानी लखनऊ में बच्चे को कुत्तों के झुंड ने बनाया अपना निशाना। पैर पर काटकर किया जख्मी। कौशांगी में सेल्फी लेते वक्त जिंदा जलने लगा युवक। रेलवे ट्रैक पर बिजली का खंभा छूते तेज करंट लगा। धमाके के साथ तारों में स्पार्किंग। झांसी में अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर कसा है तंज। बोले जो मुखिया कहेगा वो वही करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। एटा मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल। डब्ल्यूएचओ ने नोडल अधिकारी ने परखी व्यवस्थाएं। कमियों को जल्द पूरा करने के दिए हैं दिशा निर्देश। शामली में एसपी ने थानों का किया निरीक्षण। थाना भवन में चेक किए रजिस्टर। चुनाव को देखते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। महाराजगंज में जंगल में बोरी में मिला है शव। पुलिस को आरोपी ने बताया कि युवक उसके घर की महिलाओं से अभद्रता करता था, तभी मार डाला। बरेली में दूध कर जला ट्रांसफार्मर। भीषण आग लगते ही आसपास के लोग दुकान और घर छोड़कर भाग निकले। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।